नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। थाना शहादतगंज क्षेत्र के दुकान में लगी भीषण आग। आरी जरदोजी के ऑफिस में लगी आग से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। क्षेत्रवासियों ने दी थी संबंधित पुलिस चौकी को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रवासियों ने मिलकर आग बुझाने का किया प्रयास। खबर चलने तक क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पा लिया था। बिना फायर ब्रिगेड के सूचना दिए ही क्षेत्रवासियों द्वारा आग बुझाई गई। दुकानदार जमाल के मुताबिक आग से लगभग 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। थाना शहादतगंज के अंबरगंज पुलिस चौकी के अंतर्गत वजीर बाग क्षेत्र का पूरा मामला है। ये थे हमारे संवाददाता इंडिया समाचार की उत्तर प्रदेश लखनऊ से मोनू वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जमाल अहमद। क्या हुआ है अभी जो आग लगी है, कैसे लगी, क्या हुआ? ये दुकान से जो है हम उठ के गए घर के लिए, 15-20 मिनट बाद जब वापस आए देखा तो आग लगती थी दुकान में। पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट से ही लगी, क्योंकि अंदर का बोर्ड पूरा जला हुआ है, माल पूरा भरा हुआ था और जो है वहीं आग लगी है। जहाँ आप दर्दोजी का माल है हमारा काम, पूरा रेडी माल करते हैं हम, काम वही सब माल बना के लगाया था। कम से कम होगा माल मेरे हिसाब से तो 60-65 लाख रुपए का इस समय माल था मेरी दुकान में। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये है दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी क्योंकि दुकान बंद थी इसलिए दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, शॉर्ट सर्किट से ही लगी हमारे हिसाब जो कह रहा है, क्यों बंद दुकान में तो कोई लगा ही नहीं सकता। हम चौकी जा रहे हैं, चौकी में जो है तहरीर देंगे। आग जो समरसेबल के पानी से, पाइपों से। नहीं, फायर ब्रिगेड को नहीं, मोहल्ले के लड़कों ने ही बुझाई है आग।